स्टैटिक राउटिंग के अंदर जो हमने टेस्टिंग करनी है वो सबसे पहले हमने एक टेस्ट करना है टेस्ट वन किसके बारे में लॉन्गेस्ट मैच के बारे में लॉन्गेस्ट बैच के बारे में हमने स्टडी ये किया था पीछे कि जिस रास्ते का लॉन्गेस्ट मैच हायर होता है दैट पाथ विल बी प्रीफर उसको प्रीफर किया जाएगा। इसको करने के लिए हमें एटलीस्ट दो राउटर की जरूरत पड़ेगी कम से कम। लेट्स से आर वन रूटर और आर टू रूटर। आर वन से कनेक्टेड है आर टू और यहां से लेट्स से ये दूसरा रूटर कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल हमें आर टू पर रीचेबिलिटी प्रोवाइड करनी है और यहां पर 192.168.100.1/24 एक आईपी एड्रेस पड़ा हुआ है। आर वन और आर टू के बीच में जो ये अपर वाला लिंक है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आई पी एड्रेस है 1.1.1.1 और लेट्स से यहाँ पे .2 और यहाँ पे लेट्स से 11.1.1.1 और लेट्स से यहाँ पे 11.1.1.2। दो आपके पास आई पी एड्रेस यहाँ पड़े हुए हैं। आर वन पर जाने के बाद यहीं आर वन राउटर के ऊपर हमने दो राउट्स लिखे हैं ग्लोबल मोड के ऊपर क्योंकि अब बार बार कॉन्फ़िग लिखने की जरूरत नहीं। अंडरस्टूड है कि आईपी राउट ग्लोबल पर आएगा। आईपी राउट 192.168.100.0 द मास्क इज 255.255.255.0 एंड इसको हम ऊपर वाले लिंक पर ड्रॉप करते हैं 1.1.1.2। दूसरा हमने राउट लिखा आईपी राउट 192.168.100.0.255.255.255. लेट्स से 224 11.1.1.2। आर वन से दो राउट लिखे गए इस नेटवर्क पर जाने के लिए। पहला चीज तो ये क्या दोनों राउट्स में से कौन सा राउट सही है जो लिखा गया है। सेकंड राउट गलत क्यों लगता है। सेकंड राउट आपको गलत क्यों लगता है। व्हाट इज द रीजन कि वो गलत नजर आ रहा है भैया आपको। जी हाँ जी कौन सी मास्किंग ये वाली मास्किंग। यहां अगर हम देखें इसमें यहां पर एलएम कितना है 24 और नीचे वाले में जो एलएम है दैट इज हाउ मच एलएम कितना 24 और कितने बिट्स हैं एक्स्ट्रा 224 का बात है बोले भाई क्या हुआ मयंक 27 के ऊपर। अब आप लोग कहते हैं नीचे वाला जो राउट लिखा गया है वो गलत है क्योंकि मास सही नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप तीन लोगों के पास घर से फोन आता है इसका मैंने एग्जांपल सीसीएनए में दिया आपको दिया। एक बोलता है मैं नोएडा में मौजूद हूँ एक बोलता है मैं सेक्टर 15 में हूँ एक कहता है मैं सेक्टर 15 में जीसी कॉम्प्लेक्स में अपोजिट नीर विलास होटल नियर एडा शोरूम एनसीपी के अंदर बैठा हूँ। झूठ कौन बोलता है कोई नहीं सारे ही सच है। तीनों ही एड्रेस के थ्रू आपको ट्रेस किया जा सकता है ये भी सच है। बट कौन से एड्रेस के थ्रू पहले ट्रेस किया जाएगा जिसमें मैचिंग कंपोनेंट ज्यादा है। तो एनी की थिंकिंग हमारी ये होती है कि जो मास्क यहां पर मौजूद है वही मास्क यहां होना चाहिए ये एनी की थिंकिंग होती है। बट
याद ये रखना है कि स्टैटिक राउटिंग में एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में है कि वो रूट्स का मास क्या रखना चाहता है, बट याद ये रखें कि उस आईपी का एनआईटी और उस आईपी का मास ऐसा रखा जाए कि उन दोनों के कॉम्बिनेशन के अंदर ये आईपी एड्रेस मौजूद हो। तो ऊपर वाली में अगर हम देखते हैं तो इसका मतलब है कि .1 से लेके .254 तक वैलिड आईपी एड्रेस है, इसका मतलब है .1 से लेके .30 तक वैलिड आईपी एड्रेस है, यानी इस रूट नीचे वाले राउट के थ्रू वी कैन सर्च .1 से लेके 30 तक, ऊपर वाले के थ्रू .1 से लेके 254 तक। तो जहां आपने जाना है वो तो नीचे वाले में भी आता है ना, जहां आपने जाना है ऊपर वाले में भी आता है, तो दोनों ही राउट सही है, देयर इज नो इशू। क्वेश्चन नंबर टू, बाय डिफॉल्ट रूल हमें ये मालूम है कि राउटर में बैच राउट मौजूद होते हैं शो आईपी राउट के अंदर। अब आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस ये दोनों रूट राउटर R1 के ऊपर, अगर R1 के ऊपर इफ यू आर रनिंग द कमांड शो आईपी राउट, R1 के ऊपर अगर हम कमांड चलाते हैं शो आईपी राउट, और शो आईपी राउट के बाद अगर हम लिखते हैं स्टैटिक, तो कितने राउट डिस्प्ले होंगे, दोनों या एक? चूंकि राउटर के बारे में पढ़ा है कि राउटर विल डिस्प्ले दी बेस्ट राउट, तो कौन सा डिस्प्ले होना चाहिए? सेकंड वाला, इसमें लॉन्गेस्ट मैच है, बट योर आंसर इज इनकरेक्ट, सही नहीं है, और सारे लोग तकरीबन यही आंसर देंगे जो आपने दिया जब तक टेस्ट ना किया गया हो। इफ डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी इज सेम एंड लॉन्गेस्ट मैच आर डिफरेंट, अगर ये कंडीशन मौजूद है देन ऑल राउट विल डिस्प्ले इनटू दी राउटिंग टेबल, याद रखें हमेशा, ये यानी मैं आपको नहीं मालूम था कि अगर मल्टीपल रास्ते हैं, मल्टीपल राउट पड़े हैं, लॉन्गेस्ट मैच वेरी करते हैं, अलग अलग हैं, बट डेस्टिनेशन आईडी यानी ये सबनेट आईडी कॉमन है, ये कॉमन है, इनके मास्किंग ये अलग है, ये अलग है, तो ऑल दी राउट विल प्लेस इन टू दी राउटिंग टेबल, जाएगा उससे जिसका हाईएस्ट लॉन्गेस्ट मैच है, यानी राउटिंग टेबल में नजर आएगा एस, नजर आएगा एस 192, 168, 100 डॉट 0 स्लैश 24, 1 ऑब्लिक 0, बिकॉज 1 इज द एडी ऑफ द स्टैटिक, 0 इज द मैट्रिक ऑफ द स्टैटिक, वाया 1.1.1.2 बिकॉज आपने ऊपर वाले पर ड्रॉप ये किया हुआ है, और यहां पर 192, 168, 100 डॉट 0 स्लैश व्हाट 27, 1/0 वाया 11.1.1.2। तो अब राउटर पे अगर कोई पैकेट हिट होता है कि मुझे यहाँ पर जाना है, तो राउटर विल लुक अप द राउटिंग टेबल, राउटिंग टेबल में जब जाएगा तो देखेगा राउटिंग टेबल जाने के बाद कि लॉन्गेस्ट मैच भी सेम है, एडी भी सेम है, लॉन्गेस्ट मैच, सॉरी, लॉन्गेस्ट मैच आपके पास इसका 24 है, इसका आपके पास 27 है, तो मुझे इंस्ट्रक्शन ये दी गई है जिसका लॉन्गेस्ट मैच हायर है वहाँ से निकलने का है, तो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन निकलेगी R1 से वो इस रास्ते से होते हुए यहाँ पर पहुँचने वाली है, यानी यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन निकलेगी ये इन्फॉर्मेशन इस वाले रास्ते से होती हुई कहाँ पहुँचेगी, इस वाले डेस्टिनेशन पर पहुँचेगी। अभी कैसे वेरीफाई करें इसे जाएगा, अगर हम क्या करें कि यहाँ पर R1 राउटर के ऊपर एक कमांड चला दें डीबग आईपी आईसीएमपी, आईसीएमपी के दो पार्ट होते हैं, यानी हम पढ़ चुके हैं इको रिक्वेस्ट और इको रिप्लाई। तो अगर यहां से इको रिक्वेस्ट निकली है तो इको रिप्लाई भी इसी पर रिटर्न होगा, तो इस वाली आउटपुट में हमें मिलता है रिप्लाई फ्रॉम,
से यहाँ से, सोर्स कौन होगा, दिस इज द सोर्स, डेस्टिनेशन कौन होगा, ये डेस्टिनेशन। अगर सारे ही हिटिंग इस वाले नंबर पर हो रही है, इसका मतलब पैकेट यहाँ से निकला है, यानी बिफोर पिंग ये कमांड चलाने का है, बाद में हमने क्या करने का है, आर वन पे जाके पिंग करने का है। तो अगर हमने पिंग करने के बाद 192.168.100.1 पे पिंग किया, तो पांच पैकेट यहाँ से थिर हुए, पांचों के रिप्लाई इस पर हिट होने चाहिए, एक तरीका तो ये। दूसरा ट्रेस राउट, यू कैन ऑल्सो रन कमांड ऑन दिस वन, ये चला सकते हैं, या आर वन के ऊपर आप ट्रेस आउट भी यूज कर सकते हैं। तो अगर ट्रेस राउट कमांड चलाएंगे, तब भी ट्रेस राउट के चलाने से भी क्या होगा, अगर वो यहां से निकलेगा तो ऑब्वियसली नेक्स्ट ऑफ ये दिखाएगा। तो ट्रेस राउट में आपको ये नेक्स्ट दिखा रहा होगा, और डीबग आईपीएसपी में वो दिखा रहा होगा जहां से निकला है। अब ऐसा हो सकता है कि साहब बीएमए टाइप नेटवर्क, ठीक है, तो वहां पे आपके पास मल्टीपल आपके पास नेक्स्ट ऑफ हो सकते हैं, तो ट्रेस राउट में तो अगला नेक्स्ट ऑफ दिखा रहा होगा, बट आपकी कौन सी इंटरफेस से निकला है? ऐसा हो सकता है आपके मल्टीपल इंटरफेस हैं और जहां जाना है वो भी आपके पास मल्टीपल हैं, तो आपके कौन से इंटरफेस से निकला ट्रेस आउट में, ये बताना मुश्किल होता है, चमक नहीं पाता, डिस्प्ले नहीं हो पाता उसमें, नेक्स्ट हॉप डिस्प्ले होता है ट्रेस आउट में। हमने देखना हमारे कौन से एग्जिट इंटरफेस से निकला, तो दिस वन 11.1.1.1, यानी डीबग आईपीआईसीपी चलाएंगे, इको रिक्वेस्ट यहाँ से निकलेगी, तो रिप्लाई इसी पे हिट होगा, पांचों पैकेट इसी पे हिट हो रहे होंगे। यहाँ से प्रूफ मिल जाएगा कि हमारा जिस रास्ते का लॉन्गेस्ट मैच हायर था, उस वाले रास्ते से पैकेट आगे फॉरवर्ड हुआ है। इसको वेरीफाई करेंगे प्रैक्टिकली, पहले नोट करें।